गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर स्टडी सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी में हम अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी के अंतर्गत इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन समाज शास्त्रियों के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अब तक हमने तीन मुख्य सोशियोलॉजिस्टों के बारे में जानना, जो इसमें सबसे पहले थे कार्ल मार्क्स, उसके बाद एमिली दुर्खेम और उसके बाद मैक्स वेबर। इन तीनों के कॉन्सेप्ट जो सोशियोलॉजी को लेकर रहे, उन चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने जाना कि ये फाउंडर मेंबर रहे हैं कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के अध्ययन को सबके सामने लाने के। और साथ ही साथ हमने एक चीज़ और समझी कि जो समाजशास्त्र है, इसका उद्भव कहीं ना कहीं पाश्चात्य या फिर वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पर पिछले 100 सालों के आसपास हमें इसके बारे में जानने को मिलता है, जबकि भारत में इसके बारे में ऐसा कोई खास सब्जेक्ट के रूप में इसे नहीं रखा गया था। वैसे समाजशास्त्र के बारे में हम अध्ययन 100 साल से बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन समाजशास्त्र को एज ए सब्जेक्ट भारत में शायद 1900 के आसपास या फिर 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के आसपास शुरुआती तौर पर रखा गया होगा। आइए जानते हैं कि किस तरीके से इनके कॉन्सेप्ट रहे होंगे और भारत में पहले इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कौन रहे होंगे, कि किस तरीके से उन्होंने भारत में इस चीज़ को लेकर आए होंगे और कैसे उन्होंने समाज के बारे में अध्ययन करने को या समाजशास्त्र को एक मुख्य विषय के रूप में यहाँ पर देखा होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। एज यू सा इन द ओपनिंग ऑफ चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक, जैसा कि हम अपने पहली बुक की बात करें तो इंट्रोडक्शन पहले ही आपने पहली बुक से ही देंगे इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी के अंतर्गत, कि हमने जहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से यंग यूरोप के अंतर्गत इसकी शुरुआत होती है, कैसे 18वीं शताब्दी के आसपास या 17वीं शताब्दी के आसपास, 17वीं 18वीं शताब्दी की शुरुआती तौर पर यूरोप में समाजशास्त्र जैसे विषयों को समझा जा सकता है, कैसे वो वहाँ पर उस इतिहास को लेकर ह्यूमनिस्ट जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में इसका इंटरेस्ट सोशियोलॉजिकल रूप से कैसा रहा, या भारत की बात की जाए जहाँ पर यूरोप में हम देखते हैं कि पिछले 100 सालों से या फिर एक सेंचुरी के करीब हम इसकी स्थापना देखते हैं, और या फिर लगभग हम ये देखते हैं कि यूरोप में पिछले 100 सालों से इसका कहीं ना कहीं नाम आता रहा है, किस तरीके से सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, किस तरीके से समाजशास्त्र के विषय में बातें की गई हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए विश्वविद्यालयों के रूप में या फिर इंटरनेशनल कॉलेज के रूप में, यूनिवर्सिटीज के रूप में, सबसे पहले यहाँ पर इसकी लर्निंग जो शुरू हुई थी वो 1919 के आसपास हुई थी, जब आपके लॉर्ड कर्नल ने यहाँ पर शिक्षा नीति निकाली थी। उस समय के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ने 1920 के आसपास और उसके बाद दो और यूनिवर्सिटी कलकत्ता और लखनऊ ने इस प्रोग्राम को, इस टीचिंग को एक सोशियोलॉजी के रूप में या एंथ्रोपोलॉजी के रूप में, मानव विज्ञान के रूप में या फिर आप कह सकते हैं समाज विज्ञान के रूप में, इसे सबके सामने लाने की कोशिश की थी या समाजशास्त्र के रूप में। हम जानते हैं कि इन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट थे जहाँ पर सोशियोलॉजी के बारे में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी के रूप में, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में और मानव विज्ञान के रूप में अलग अलग विभाग हुआ करते थे, और इन्होंने उसी तरीके से उन्हें का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका अध्ययन शुरू किया था उन दिनों के दौरान। नाउएडेज सोशियोलॉजी टेंड टू बी टेकन फॉर गारंटी इन इंडिया, और इस समय के दौरान हम देखते हैं कि कैसे बाद में भारत में इसे स्वीकारा गया। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन आता है कि वे कौन सी चीज़ें रही होंगी जिन्होंने यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि पुराने दिनों के दौरान किस तरीके से क्लियर नहीं होगा
इंडियन सोशोलॉजिस्ट के सामने कि वे किस तरीके से इसे देखें या समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यूरोपियन बात लेके चलेंगे तो यूरोप में इसे अलग तरीके से देखा गया, जबकि भारत में इसे अलग तरीके से देखा गया होगा कि कैसे समाजशास्त्र को लेकर चला जा सकता है, कैसे इसके साथ प्ले किया जा सकता है, खेला जा सकता है। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया होगा उस समय फंडिंग रूप से इन फिगरों को इंडियन सोशियोलॉजी के अंतर्गत। साथ ही वे विद्वान किस तरीके से हेल्प प्राप्त कर रहे होंगे इस शेप में, इस डिसिप्लिन में लाने के लिए, कि कैसे ऐतिहासिक रूप से इन्हें सोशल कॉन्ट्रेस्ट से जोड़ा जाए, या फिर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने किस तरीके से इस विषय में रुचि दिखाते हुए इसे ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की होगी, या हमारे लिए एक तरीके से अनुकूल बनाने की कोशिश की होगी। द स्पेसिफिसिटी ऑफ द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ड्राइव्स मैनी क्वेश्चन। और ऐसी स्थिति में हमारे भारतीय संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन आकर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर से जुड़ा हुआ है सामाजिकता या फिर सोशोलॉजी भारत में आधुनिक को समझने का प्रारूप बन सकता है, क्योंकि कारण क्या है कि उस समय के दौरान भारत में आधुनिकता से पहचान तो हो रही थी, लेकिन उस समय के दौरान भारत कहीं ना कहीं अपना वैश्विक रूप से प्राधीन था, या फिर एक तरीके से हम स्वतंत्र नहीं थे। उस समय ब्रिटिश शासन होने के दौरान हम ये नहीं कह सकते कि किस तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य ने या भारतीय लोगों ने इस चीज को समझा होगा या समाजशास्त्र को उस अध्ययन के रूप में लिया होगा, लेकिन फिर भी यूरोपियन समाज से जुड़े हुए या फिर यूरोपियन सोशियोलॉजी से जुड़े हुए, सामाजिक संस्कृतियों से जुड़े हुए, वहाँ के कल्चर से जुड़े हुए इस प्रोस्पेक्ट को समझने के लिए काफ़ी लोगों ने उत्सुकता दर्शाई होगी, काफ़ी लोग अवेयर होंगे ये जानने के लिए कि किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से उन्नति हुई है पर्टिकुलर चीज़ में, और इस तरीके से उन्होंने ये जाना होगा कि कैसे वे प्राचीन से विकसित रूप में सभ्यता के रूप में आए होंगे, या फिर प्रिमिटिव से मॉडर्न कल्चर के रूप में किस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को रखा होगा। यहीं पर हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वे पॉइनर कौन से रहे होंगे, समाजशास्त्र के अग्रणी व्यक्ति जो सबसे पहले समाज के अंतर्गत, भारतीय समाज के अंतर्गत सोशियोलॉजी को लेकर चलते हैं, या फिर उनके क्या आंसर रहे होंगे, उन्होंने कौन से क्वेश्चन ढूंढे होंगे, या फिर वे कौन से क्वेश्चन उन्होंने बनाए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को समझा होगा। इट वॉज ओनली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग। कहीं ना कहीं हम भारत में समाजशास्त्र को ले तो वह सिर्फ करने से ही बना होगा। कहने के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि भारत में जो समाजशास्त्र का प्रोस्पेक्ट रहा होगा वह लोगों के करने से, लोगों के होने से और लोगों के कार्य में लगे रहने से, उन चीजों के प्रोस्पेक्टों को समझते हुए तब समाज में लाया गया होगा। यह कई क्वेश्चनों को सामने रखता है जिसमें ऐसे बहुत सारे रेडीमेड क्वेश्चन या केस हो सकते हैं जो उस समय के दौरान इंडियंस को या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को आर्थ्रोपोलॉजिस्ट के अंतर्गत एक एक्सीडेंट के रूप में देखते हैं, या फिर यह क्या जा सकता है कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के अधिकतर अचानक से बन जाने के कारण, या फिर भारत में कुछ लोगों का समाजशास्त्री बन जाना या फिर अचानक से मानव विज्ञानी बन जाना अचानक से होने वाले कार्य रहे होंगे। एग्जाम्पल के रूप में वन ऑफ द अर्लिएस्ट एंड द बेस्ट नॉलेज पायनियर ऑफ द सोशल एंथ्रोपोलॉजी इंडिया एलके अल अनंता कृष्णा अय्यर। इसके अलावा सबसे पहले जो पोइनर या अग्रणी व्यक्तियों में आते हैं वे हमारे सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत एल के अनंता कृष्णा अय्यर आते हैं, जो 1861 से 1937 के दौरान रहे। इनका करियर मुख्य रूप से एक क्लर्क के रूप में शुरू हुआ, जिसके बाद इन्होंने स्कूल टीचर के रूप में कार्य करना शुरू किया और फिर कॉलेज टीचर के रूप में कोचीन स्टेट, जो आज केरला में है, वहाँ पर 1902 के दौरान रहे। वहाँ पर दीवान ऑफ कोचीन ने इनको एंथोग्राफिक सर्वे के लिए बुलाया। एंथोग्राफिक सर्वे एक प्रकार का नर्व जातीय सर्वे होता है। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाहा कि ये अपने सर्वे में बताएं कि किस तरीके से पर्टिकुलर नर्व जातीय लोग रहते हैं या फिर वर्क करते हैं। अनंता कृष्णा ने ये वर्क बिना किसी पैसे के
या फिर वेतन के वॉलेंट्री बेसिस पर किया और सप्ताह के अंत में यह अपने इस कार्य को करते थे। वीक के अंत में यह अनपेड रूप से इस सुपरिटेंडेंट ऑर्थोग्राफी के रूप में इसे वीकेंड में करते थे, जहां पर इस काम को करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बहुत सराहा। एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें आगे भी इन्वाइट किया इसी तरह के ऑर्थोग्राफिकल सर्वे के लिए मैसूर स्टेट में, जहां पर अनंत कृष्ण अय्यर ने बहुत पॉसिबिलिटी के साथ अपना फर्स्ट सेल्फ टॉच ऑर्थोपोलॉजी थीसिस वहां पर दी, जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन के अंतर्गत उन्हें विद्वान के रूप में समझा गया, स्कॉलर के रूप में एकेडमिक सन दिया गया, एकेडमिक मान्यता दी गई, या फिर उन्हें एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि डॉक्टरेट की मानक उपाधि मिल गई, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने उन्हें अपॉइंट किया एक रीडर के रूप में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में जहां पर उन्होंने अपने आप से हेल्प अपनी खुद की हेल्प से सेटअप किया फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्थोपोलॉजी डिपार्टमेंट भारत में, जहां पर उन्होंने मानव विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया। साथ ही इन्होंने रिमाइंड किया कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के अंतर्गत 1917 से 1932 में इन्होंने अपना वर्क किया, जहां पर इन्हें क्वालिफिकेशन कोई खास न होने के बावजूद भी मानव विकास में या एंथ्रोपोलॉजी में इन्हें वहां का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत सेक्शन में हम देखते हैं इंडिया में इन्होंने साइंस कांग्रेस को अपने अंतर्गत लिया और उसके बाद इन्हें अवार्ड मिला हॉनरेबल डॉक्टरेट का, जो जर्मन यूनिवर्सिटी से इन्हें मानव उपाधि मिली थी डॉक्टरेट की, और इसके बाद यूरोपियन यूनिवर्सिटी में इन्हें लेक्चरर के रूप में टूर के लिए बुलाया गया, जहां पर इन्होंने एक टाइटल रखा राव बहादुर के नाम से और दीवान बहादुर के नाम से कोचीन स्टेट में, या फिर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कोचीन राजवाड़े की तरफ से उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं द लॉयर शरद चंद्र रॉय को। ये शरद चंद्र रॉय 1877 से 1942 के बीच एक दूसरे ऑर्थोपोलॉजिस्ट रहे हैं। ये भी भारत में अपने पॉइनर रूप से या फिर अग्रणी रूप से काम करने वाले अकस्मात मानव विज्ञानी बने व्यक्ति थे, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट थे। कलकत्ता के अंतर्गत इन्होंने रिपन कॉलेज से लॉ डिग्री प्राप्त की थी और उसके बाद रॉय ने इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद इन्होंने कुछ समय तक लॉ प्रैक्टिस की और उसके बाद ये 1898 में रांची जाकर क्रिश्चियन मिशनरी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे थे या फिर अंग्रेजी पढ़ाने लगे थे। ये एक मुख्य समय था जब इनके लाइफ में काफी बदलाव आए, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अगले 44 वर्षों तक ये रांची में ही रहे थे, जहां पर छोटा नागपुर प्रदेश के अंतर्गत झारखंड में रहने वाली जनजातियों या फिर शेड्यूल कास्टों पर उन्होंने वर्क किया। साथ ही साथ उनकी आर्थोपोलॉजी में भी रुचि बढ़ती गई, जहां पर इन्होंने स्कूल के काम को छोड़ दिया और रांची में ही कोर्ट के अंतर्गत लॉ प्रैक्टिस करने लगे। आगे चलकर ही इन्होंने सरकारी दुभाषियों के रूप में अदालत में नियुक्त किया गया, या सरकारी रूप से दो भाषाओं को जानने के रूप में अदालत में इन्हें नियुक्त किया गया था। अगर बात की जाए रॉय के बारे में तो इन्हें डीपली इंटरेस्ट था ट्रिबल सोसाइटी में, जो इसका मुख्य कारण ये भी रहा था कि यह उनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं यह उनके बारे में भी था कि किस तरीके से वे ट्रिबल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, किस तरीके से उनके कस्टमों को उनके लोगों को कोर्ट में पेश करते थे, और साथ ही साथ ये दिखाता था कि किस तरीके से वे ट्रेवल करते थे एक्सटेंसिव लूप से, और साथ ही साथ वे ट्रिबल कम्युनिटी के बारे में किस तरीके से इंटेंसिवली फीडबैक प्राप्त करते थे। इन सभी के साथ साथ हम जानते हैं कि किस तरीके से रॉय एक डेलीगेट्स के रूप में
अपनी नज़रें बनाए रखते थे उन रिजल्टों पर जो वैल्यूएबल रूप से मेनोग्राफ के रूप में आते थे या फिर इस तरह के आर्टिकलों को सर्च करते रहते थे जो दिखाते थे उस समय के दौरान कि किस तरह का करियर रहा है उन लोगों का। साथ ही हम रॉय के द्वारा पब्लिश की जाने वाली बहुत सारे आर्टिकलों को देखते हैं। ऐसे 100 से भी अधिक आर्टिकल्स हमारे सामने आते हैं जो रॉय की रुचि को दिखाते हैं जनजातीय समाज में जो उनकी बढ़ती रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने उस समय के दौरान ओराव मुंडाव खैरिया जन ट्रिबल कम्युनिटी के बारे में बताया है और उनके बारे में लिखा है और बाद में प्रकाशित किया है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि किस तरीके से रॉय भारत में ब्रिटेन के जाने माने मानव वैज्ञानिक के रूप में विख्यात हुए थे। ये छोटा नागपुर क्षेत्र से होने के बावजूद भी विशेष रूप से अपनी पहचान बना रहे थे और 1922 में मैन इन इंडिया नामक एक अखबार की स्थापना की गई और उसके अंतर्गत पहले जर्नल में आज भी जिनका प्रकाशन भारत में होता है इनके बारे में जिक्र किया गया था। अनंत कृष्ण अय्यर और चंद्रलाल 1871 to 1942 वाज अनदर एक्सीडेंटल आर्थोपोलॉजिस्ट एंड पॉइनर ऑफ द डिसिप्लिन इन इंडिया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉयर शरद चंद्र रॉय उस समय के एक नए आर्थोपोलॉजिस्ट थे जो एक्सीडेंटल रूप से इस तरीके से सही मायनों में एक विद्वान के रूप में सामने आए थे और आर्थोपोलॉजिस्ट बन गए थे। इसके अलावा हम जानते हैं कि उस समय के दौरान 1900 के प्रारंभ में उन्होंने एक ऐसे विषय के बारे में कार्य करना प्रारंभ किया जो भारत में न तो सभी अभी तक विद्यमान था या फिर हम कह सकते हैं कि उस समय तक सोशियोलॉजी के बारे में शायद ही कोई जानता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर कार्य किया। उन्होंने दोनों अय्यर और रॉय का जन्म तथा मृत्यु अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में हुई इस समय के दौरान इन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से अपने इस अध्ययन को रखा। चार भारतीय समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा जिसमें अय्यर, उसके बाद इस अध्याय में आपको जो जानकारी मिलने वाली है या फिर इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं भारत के चार मुख्य समाजशास्त्रियों के बारे में जानने वाले हैं जिनमें से हम पहले अय्यर और रॉय हैं, एक पीढ़ी के बाद जन्म लिया था जिन्होंने, और साथ ही उसके बाद हम भारत में जन्मे लेकिन स्वतंत्र भारत में काम करने वाले विभिन्न समाजशास्त्रियों के बारे में जानेंगे जिसके अंतर्गत जीएस घुरवे तथा डीपी मुखर्जी का नाम आता है जो 1890 के दशक में जिनका जन्म हुआ, ए आर देसाई और एमएन श्रीनिवास का जन्म का नाम माता है जिनका जन्म लगभग 15 साल बाद इनके हुआ था 20वीं शताब्दी के आसपास या 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के आसपास। इसके अलावा हम समाजशास्त्र में वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे हम अपने इस लेसन में। जीएस घुरवे को हम भारत में एक समाजशास्त्र के रूप में या संस्थागत रूप में स्थापित करने का श्रेय देते हैं या भारत में समाजशास्त्र को एक संस्थागत रूप में एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर स्थापित करने का या फाउंडर मानते हैं। ही हेडेड इंडिया वेरी फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सोशियोलॉजी एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी फॉर 35 ईयर्स। अगर बात की जाए तो इन्होंने बॉम्बे में शुरुआत में ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 35 साल की एज के आसपास ही सबसे पहले स्नातक मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करके इस विभाग में कार्य किया है। इसी के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे जीएस घुरवे के बारे में कि ये किस तरीके से कार्य करते रहेंगे। गोविंद सदाशिव घुरवे इनका नाम था जो 1893 से 1983 के बीच इनका जन्म हुआ। गोविंद सदाशिव घुरवे का जन्म 12 दिसंबर 1893 को मालवान पश्चिम भारत में कोंकण तटीय प्रदेश के आसपास एक छोटे से टाउन में हुआ था। इनका परिवार अच्छा फलाफूला परिवार था जिसके बाद धीरे धीरे इनका अंत हो गया।
1913 के आसपास इन्होंने एफिलिस्टन कॉलेज से मुंबई में प्रवेश किया, जहां पर संस्कृत ऑनर्स से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी में भी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और इसी कॉलेज से 1918 में 1919 के आसपास सोशोलॉजी के रूप में ये विदेश में गए। फौरन जाकर इन्होंने एक टीचर के रूप में छात्रवृत्ति के रूप में चयनित होकर प्रारंभ में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एलटी हाउस में एक मुख्य समाजशास्त्री के रूप में पढ़ाए गए और साथ में कैम्ब्रिज में WHR रिजर्व द्वारा पढ़ाए गए। उनके बाद यह पसादवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए उस समय के डिफ्यूजिस्ट प्रोस्पेक्टिव से। 1923 में PhD के दौरान 1922 में रिजर्व की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण SC हेडल के निर्देशन के अंतर्गत इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। मई में मुंबई वापस आ गए और कास्ट एंड ड्रेस इन इंडिया PhD पर आधारित पांडुलिपि पर कैम्ब्रिज की पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। 1924 में थोड़े समय तक कोलकाता में रहने के पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय में लीडर तथा विभाग लीडर के रूप में नियुक्त हुए, जहाँ इन्होंने ये 35 साल तक रहे। 1936 में बम्बई विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि प्रारंभ की और साथ ही इन्होंने घुर्वे के निर्देशन में GR प्रधान को प्रदान की गई एक PhD की भूमिका निभाई। और 1945 में एक पूर्वकालीन आर्ट कोर्स में समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम प्रारंभ भी कर दिया। घुर्वे द्वारा इंडियन सोशोलॉजिस्ट सोसाइटी की स्थापना भी की गई या फाउंडेशन भी की गई और इसके संस्थापक अध्यक्ष भी ये बने 1951 में। साथ ही 1952 के आसपास द इंडियन सोशोलॉजिस्ट सोसाइटी के अंतर्गत इन्होंने एक जर्नल प्रकाशित किया, जहाँ पर सोशोलॉजिकल बुलेटिन के नाम से इसका प्रकाशन हुआ। 1959 में विश्वविद्यालय से ये रिटायर हो गए या फिर यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए। यहाँ पर ये 17 से 30 बुक इन्होंने लिखी अपने रिटायरमेंट के बाद। साथ ही इनकी मृत्यु 1983 में 90 वर्ष की आयु में हुई। GS घुर्वे का निधन 90 साल की उम्र में इस तरीके से हो गया था। तो इस चैप्टर के बारे में हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं और इसकी नेक्स्ट वीडियो हम अगली वीडियो के रूप में लेकर आएंगे।